यस वी क्लास नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट द कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। भी कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखिए। भी बातें नहीं करनी अभी। ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पे, ठीक है। ओके भी इसमें एक ही तरह की इमेज बनती है। इट इज वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया, इट इज ऑब्जेक्ट ओ। एक लाइट जाएगी यहाँ पर, क्या कर रही है, इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इसका म्यू वन मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू टू है। जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे। अगर मीडियम ना होता तो क्या करती, ये स्टेट चलती भाई ऐसे, यस और नो। तो क्या होगा रूल्स के अकॉर्डिंग भी, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल्स भी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी भी। तो एक्चुअल में क्या पाथ होगा इसका, ऐसा पाथ होगा भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके अब आगे तो मिलेगी नहीं इसके साथ, ये तो पीछे में लाओ। यहाँ पे क्या बनेगी इसकी इमेज, समझ में आया, यस और नो। ये पॉइंट क्या लिया था हम लोगों ने, ए पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा, अभी ये कंप्लीट एंगल ऑफ है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, डिज आई, आई ले लो। ये एंगल कौन सा भाई, रिफ्रैक्ट बीम और नॉर्मल्स के बीच का है, इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, इट इज आर। और जो ऑब्जेक्ट बनाएगा अल्फा, जो इमेज बनाएगी बीटा, और जो सी बनाएगा गामा। यहाँ से ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, ये पॉइंट क्या था, एम बी। कहिए समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आप देखो पहले बना देख लिया करो कहाँ पे बीम जाएगी अगर मीडियम चेंज ना करें तो। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे मुड़ेगी, टुवार्ड्स द आवेदा, उसी पाथ पे मुड़ेगी, उससे उसी से मुड़ेगी, उस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी। सही है, स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक के उसी पॉइंट से, सेम टॉपिक है। लिखो भी, लिखिए ए एम इज परपेंडिकुलर टू किसके भाई, ओ पी। ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, ठीक है। सही से शुरू करते हैं, एट पॉइंट ए की बात करते हैं अभी। एट ए क्या लिखूं, साइन आई बाई साइन आर, स्नेल अप्लाई कर लेते हैं। लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में, क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन, सही लिखा मैंने। और एंगल स्मॉल होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो इसको, एंगल्स आर स्मॉल, तो क्या लिखोगे, आई बाई आर लिख दूं, इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आने वाला है, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर भी, इज इज द फर्स्ट इक्वेशन। सही है कि नहीं है, सेम प्रोसीजर है भाई। अब इसमें क्या होगा, हमें आई और आर की वैल्यू चेक करनी है। रब करते हैं इसको, ट्रायंगल्स ए ओ सी दिख रहा है, इन द ट्रायंगल ए ओ, ए ओ सी दिस ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल्स के अंदर आउटर एंगल कौन सा है अभी, इन ट्रायंगल ए ओ सी आउटर एंगल कौन सा है, गामा इज द आउटर एंगल्स, ए ओ सी दिस ट्रायंगल भी, यस और नो, गामा इज द आउटर एंगल, गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, सही है। आर निकालने के लिए ट्रायंगल्स कौन सी यूज करूं, इन द ट्रायंगल्स ए ओ आई, सॉरी ए सी आई, इन द ट्रायंगल ए सी आई, कौन सी ट्रायंगल दिख रही है, ए सी आई दिस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल्स के अंदर आउटर एंगल कौन सा है, देख लो ए सी आई में आउटर एंगल कौन सा है, गामा है, आर है क्या, आर नहीं है, आर तो इसका अपोजिट एंगल अभी, इसका किसका,
इस कब ये इतना पूरा आई कौन बोल रहा है ये जो ये एंगल कौन सा है ये आर है ये इसका अपोजिट एंगल है ये यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा डायग्राम इसलिए बड़ा बनाते हैं डायग्राम में भी आपके ये जो है ना ये इस तो अपोजिट एंगल में आ रहे हैं भाई ये है पूरा नहीं है ये पूरा तो आई है ये वाला आ रहा है भाई इसका अपोजिट है ये वाला एंगल सही है तो गामा इसमें भी गामा क्या आउटर एंगल है भाई गामा इज द आउटर एंगल कैसे लिखोगे बीटा प्लस आर तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा भी गामा माइनस बीटा इसमें रख दे फर्स्ट में पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन म्यू वन आई कितना है गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू म्यू टू आर कितना है भाई गामा माइनस बीटा भी ये सर नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी अरे बता दो yes, sir. तो इसमें अभी अल्फा बीटा गामा निकालना है आपको अभी रब करते भाई yes, मैं ट्रायंगल बोलूँ क्या ट्रायंगल कौन से यूज करें अल्फा के लिए ट्रायंगल क्या है ए एम ओ इस ट्रायंगल से अल्फा कितना आएगा टेंजेंट अल्फा ये अल्फा लिखूँ डायरेक्ट भी टेंजेंट ही होता है एंगल निकालने के लिए टेंजेंट छोड़ सकते हैं कितना लिखोगे ए एम बाई एम ओ बीटा इज इक्वल टू कौन सी ट्रायंगल यूज करूँ बीटा के लिए भाई ए एम आई तो ए एम बाई एम आई और गामा इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी भी कौन सी ट्रायंगल यूज करें इन ट्रायंगल ए एम सी इस ट्रायंगल में से टेंजेंट गामा निकाल लीजिएगा भी हम गामा छोड़ सकते हैं सॉरी टेंजेंट छोड़ सकते हैं एंगल्स और स्मॉल करके भी हो जाएगा यहाँ पर पुट कर दें वैल्यू तो म्यू वन इन टू गामा कितना अभी ए एम बाई एम सी माइनस एल्फा ए एम बाई एम ओ इज इक्वल टू म्यू टू गामा ए एम बाई एम सी माइनस ए एम बाई एम ओ आई एम आई सही है गुणा करो भी अंदर इनकी कितना एम काट दें भी एम कॉमन आ गया एम कॉमन आ गया कट दे कर देते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा म्यू वन बाई एम सी बी माइनस म्यू वन बाई एम ओ इज इक्वल टू म्यू टू बाई एम सी माइनस म्यू टू बाई एम आई सही लिखा है ओके आगे लिखिए अपर्चर इज स्मॉल अपर्चर इज स्मॉल सो पॉइंट एम लाई नियर टू पी सो पॉइंट एम लाई नियर टू पी अगर पी के नज़दीक लाई करेगा तो क्या होगा सकता हूँ कि मेरा एम ओ इज इक्वलेंट टू पी ओ एम आई इक्वलेंट टू पी आई एंड एम सी इक्वलेंट टू पी सी वी सही लिखा है यस आर नो अब पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे भाई म्यू वन बाई पी सी माइनस म्यू टू बाई पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू बाई पी सी माइनस म्यू टू बाई पी आई ओके सही लिखा है साइन कन्वेंशन यूज करनी आती है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ओ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस लूँ कि माइनस लूँ माइनस इस तरफ जाएगा सर अभी पी आई डिस्टेंस ऑफ द इमेज माइनस वी पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर वे ओके डायग्राम हो गया अभी देखिए म्यू वन बाई पी सी भी पी सी कितना है माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो गया अभी म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू कितना है म्यू टू बाई पी सी पी सी कितना है माइनस आर और प्लस हो गया म्यू टू बाई वी है ये म्यू वन अब ठीक है ऐसा करें भाई इसको इस तरफ ले जाते हैं इसको इस तरफ ले जाते हैं
एक ही बात है, कितना आएगा? माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों में से वन बाई आर कॉमन निकाल लेता हूँ, म्यू टू माइनस म्यू वन, क्या सही है? सही है कि नहीं है? नेक्स्ट भी लिखिए, रिफ्रैक्शंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी, कॉन्वेक्स का काम करना आपको, अभी लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर मीडियम भी, ओके कैसे बनाऊं डायग्राम? क्या ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? यस सर नो? यस सर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूं? मीडियम में भी, ओके ये पॉइंट पी है, पॉइंट सी यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। कितने खुले छोड़ रखे हैं? बैठ भी लिखिए भी, हो गया। ये ऑब्जेक्ट है अभी क्लास, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक बीम जा रही है अभी, स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे, नॉर्मल ड्रा करें भी, रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर से भी। इमेजिन करो भी, ये मीडियम ना होता अभी, सॉरी मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या करते बीम्स? शेड चलती? यस और नो? तो क्या होगा अब? क्या होगा? इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम भी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स भी, नॉर्मल से दूर हटेगी भी, यस और नो? नॉर्मल से दूर हटेगी तो क्या होगा? यहीं पे कहीं ज़्यादा दूर हो गया अभी, डायरेक्ट लिखेंगे काम है ना, यहाँ बना देते हैं, इस लाइन को काट दो, कौन सी को? ये वाली को। कर पाओगे? ये अपने नॉर्मल से क्या करेगी? दूर हटेगी भी, हो जाएगा। ये एंगल कौन सा है अभी क्लास? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, ये अल्फा, गामा, इट इज बीटा भी, ये इमेज भी, ओके ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ड्रा करो, ये पॉइंट एम है भी, ये म्यू टू है, ये कितना है? म्यू वन भी, सही है कि नहीं है? अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसे लिख रहे हो बस, डायग्राम बना पाओगे? मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ पता है आपको? मैं पहले उसके एक्चुअल पार्ट ट्रेवल कर रहा हूँ, ड्रेस कर रहा हूँ, वहाँ का मीडियम चाहिए ना तो कैसे करती ट्रेवल हो, फिर उसके हिसाब से मोड़ रहा हूँ उसको भी, दूर जाएगी कि नज़दीक जाएगी उससे भी। लिखिए अभी इसमें वही लिखते हैं, ए एम, ये बोर्ड बहुत खुलता है तुम्हारा, ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी ओ लिख दूँ, ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी आई वी, सॉरी ओ आई, इसमें मान लो इस वाले की बात अभी कर लोगे? अब सनेला पे करते हैं, एट पॉइंट ए, एट ए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ? लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम टू से मीडियम फर्स्ट में भी, उल्टा हो रहा है, मीडियम टू से मीडियम फर्स्ट में, तो क्या लिखा जाए? म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू टू, याद है? एंगल्स आर स्मॉल, लिखिए जल्दी से, एंगल्स आर स्मॉल देन आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आंसर आएगा? म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर, फर्स्ट इक्वेशन भी, ठीक है। अब आपको आई और आर निकालने हैं, ये इन द ट्रायंगल्स ए ओ सी, इन द ट्रायंगल ए ओ सी दिख रहा है, ए ओ सी में आउटर एंगल कौन सा भाई? ए ओ सी गामा इज द आउटर एंगल्स, आउटर एंगल इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा भी, गामा माइनस अल्फा, और
आर निकालने के लिए ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ, इन द ट्रायंगल्स ए आई सी, इस ट्रायंगल्स में आउटर एंगल कौन सा है भाई? आर इज द आउटर एंगल, क्या लिखोगे? बीटा प्लस गामा, सही है। पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशंस भी, फर्स्ट में रखिए इसको, कितना बनेगा? म्यू टू आई, आई कितना है? गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन बीटा प्लस गामा भी। आपका काम रह गया अल्फा बीटा गामा निकालना भी, ओके। तो जरूरत नहीं है बार बार बताने की अल्फा कैसे निकलेगा, बीटा कैसे निकलेगा, गामा कैसे निकलेगा। डायरेक्ट लिखूं? यस सर। रब कर दें इसको। अल्फा इज इक्वल टू एम बाई एम ओ, बीटा इज इक्वल टू एम बाई एम आई, और गामा इज इक्वल टू एम बाई एम सी। यस सर नो? सही लिखा है। यहाँ पर रख दें तो म्यू टू गामा ए एम बाई एम सी माइनस अल्फा ए एम बाई एम ओ इज इक्वल टू म्यू वन बीटा ए एम बाई एम आई प्लस गामा ए एम बाई एम सी। सही है। उस पूरी इक्वेशन में से एक एम कॉमन है, भी बाहर निकाले तो म्यू टू ए एम बाई एम सी, सॉरी एम कट गया, वन बाई एम सी माइनस वन बाई एम ओ इज इक्वल टू म्यू वन वन बाई एम आई माइनस प्लस वन बाई एम सी, ओके भी। इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने? अपर्चर इज स्मॉल सो एम लाई नियर टू पी, अपर्चर इज स्मॉल सो एम लाई नियर टू पी, तो क्या लिखेंगे? म्यू टू बाई पी सी लिख सकता हूँ माइनस म्यू टू बाई पी ओ इज इक्वल टू म्यू वन बाई पी आई माइनस प्लस म्यू वन बाई पी सी। मैंने गुणा कर दिया अंदर भी पहले इसको, कर लोगे अब बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस भी। रब कर दें इसको। द वैल्यू ऑफ पी ओ क्या बताओ कितना है? माइनस यू या प्लस यू? प्लस आएगा, कितने उतना हाथ करोगे प्लस के लिए माइनस के लिए? हाँ चलो, कुछ हाथ नहीं खड़ा किया अभी, कुछ भी मीडियम कहीं पे फर्क नहीं पड़ता इस बात से भी। पी के इस तरफ हमेशा नेगेटिव रहेगा, पी के उस तरफ हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, माइनस आएगा भी, ठीक है। माइनस यू पी आई प्लस वी पी सी माइनस आर। आपको मापना था डिस्टेंस इन द डायरेक्शंस ऑफ लाइट इज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव। लाइट ऐसे आ रही है, अब माप ऐसे रहे हो तो माइनस भी कर पाओगे, तो कितना आंसर होगा? म्यू टू बाई पी सी माइनस आर, म्यू टू बाई पी ओ प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू म्यू वन बाई आर माइनस का भी, सॉरी पी पी आई है, पी आई प्लस का वी माइनस का म्यू वन बाई आर, ओके। यू वी को इकट्ठा कर लें, इस तरफ वी लिया हो भाई, ओके आपकी मर्जी है, इस तरफ ले जाओ कोई दिक्कत नहीं मेरे को उस बात से, ठीक है। उसको उस तरफ ले जाओ, एक आंसर मिल जाएगा आपको भी। कितना बनेगा? यहाँ पे ले आऊँ, वी को ले आते हैं, म्यू टू बाई यू माइनस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू, अभी माइनस क्यों हो रहे हैं दोनों फिर? ए माइनस का ना है, तुम बोल क्यों रहे? ये म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर, सही है। माइनस यू चाहता हूँ हमेशा, माइनस को मैं निकालो दोनों तरफ से, ओके। माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन म्यू टू बाई यू म्यू वन बाई वी
इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू वन माइनस म्यू टू भी सही लिखा है नहीं लिखा गलत हो गया सही है कि नहीं है मैंने नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे बनेगा तुम अपने आप करो मत और वीडियो बना रहा हूँ मेरी ठीक है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी ये म्यू वन है सॉरी म्यू टू इतना है म्यू वन भी यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट ये पॉइंट पी सी का यहीं पे होगा सही है कि नहीं है चेक तो कर लेता हूँ कि मैं ही गलती ना दूँ हो गया अभी अब यहाँ पे देखो एक लाइट जाएगी ऐसे अगर मीडियम ना होता भी तो इट मूविंग स्ट्रेट लाइंस भी नॉर्मल ड्रा करें नॉर्मल इज ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर भी यस सर ना तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स भी पीछे में लाओगे यहां पे बनेगी इमेज आई ये पॉइंट ए पॉइंट एम भी ठीक है जल्दी करो डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं है तुम लोगों को एंगल बनाइए ये एंगल कौन सा अभी ये वाला आई अभी नॉर्मल के बीच में बन रहा है और ये वाला एंगल आर सिंपल एंगल बन रहा है इसमें तो बिल्कुल अल्फा बीटा गामा भी देखिए ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ सी और एट ए हम चेक करते हैं एट ए साइन आई बाई साइन आर लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम टू से मीडियम फर्स्ट में तो म्यू वन बाई म्यू टू एंगल्स आर स्मॉल तो क्या कर सकते हैं आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरा आंसर होगा म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस भी ओके अब आपको आई और आर निकालने हैं भी कर पाओगे आई निकालने के लिए ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ इन द ट्रायंगल्स ए ओ सी इन द ट्रायंगल ए ओ सी देखो कहाँ पे है ए ओ सी इस ट्रायंगल्स के अंदर आउटर एंगल कौन सा है ढंग से देखिएगा आउटर एंगल कौन सा है आई है यार तो नहीं है कहीं देख लो चलो भरोसा भी नहीं यार बना दो तुम आई है I इज इक्वल टू भी एल्फा प्लस गामा भी इन द ट्रायंगल्स ए आई सी ए आई सी कहाँ पे अभी ए आई सी इसमें आउटर एंगल R है भी R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा भी ओके पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशंस भी पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज क्लास म्यू वन म्यू टू कितना आएगा भाई आई कितना है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू वन आर कितना है बीटा प्लस गामा भी अल्फा का वैल्यू कितना होगा क्लास ए एम बाई एम ओ याद होने चाहिए अब तो यार बीटा इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी एम आई गामा इज इक्वल टू ए एम बाई एम सी ओके अल्फा कितना भाई ए एम बाई एम ओ बातें नहीं ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू वन ए एम बाई एम आई प्लस ए एम बाई एम सी भी बातें नहीं क्लास अभी देखिए यहाँ से ए एम कैंसिल हो रहा है अभी तो म्यू टू बाई एम ओ प्लस म्यू टू बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू वन बाई एम आई प्लस म्यू वन बाई एम सी बातें नहीं अगर मैं ये बोल दूं कि अपर्चर स्मॉल है तो एम पी के नजदीक लाई करेगा तो एम की जगह मैं पी रिप्लेस कर सकता हूँ एम को मैं पी से रिप्लेस कर सकता हूँ ठीक है
पी ओ माइनस यू पी सी प्लस आर पी आई माइनस वी पुटिंग द वैल्यूज वी म्यू टू बाई पी ओ पी ओ कितना है म्यू टू पी सी म्यू वन पी आई माइनस वी प्लस म्यू टू पी सी ओके सॉल्व करो भाई कितना आंसर आएगा कौन सा ये बोला कितना आएगा माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू वन माइनस म्यू टू वी क्लास नेक्स्ट टॉपिक भी नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लेंस भी नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लेंस लेंस क्या होता है क्लास देखिए लेंस बनता कैसे होता है क्या लेंस कुछ बताओ तुम आइडिया दोगे मेरे को लेंस क्या होता है स्फेरिकल पार्ट होता है मिरर का पार्ट होता है और दोनों सिर पे क्या हो रिफ्रैक्टिंग हो पक्का है चलो एक हो गया जिसकी दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग हो दूसरा भाई इस ग्लास के दोनों है क्या मिरर है लेंस है ये स्फेरिकल होना चाहिए पक्का है ग्लास भी हो सकता है स्फेरिकल तो भाई क्या कभी घर पे लेंस बनाया अभी कितनी बार बनाते हैं हम बचपन में नहीं बनाया हमने तो बनाया था अभी कांच की बोतल ली उसमें पानी डाल लिया दांत देखते हैं बड़े बड़े दांत देखते हैं हमको भाई नहीं बनाया यस और नो किया नहीं है क्या कांच की बोतल ली पानी डाला दांत देखा मेरे दांत बड़े दिख रहे हैं अभी वो लेंस अभी उसमें क्या यूज किया गया टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस यूज किए गए अभी टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या किए गए यूज किए गए हैं ठीक है देखो सिंपल अभी डेफिनेशन लेंस का इसमें एक स्फेरिकल सीट है ग्लास का भी मान लेते हैं और इसके ऊपर एक और स्फेरिकल सीट रख दिया ग्लास का ही दो ग्लास के सीट रखने से कभी लेंस नहीं बनता बुक वाला ये बोलता अभी एक ग्लास लिया कांच ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास ही है भाई अभी भी वो लेंस नहीं है इसका मतलब क्या ग्लास है दो ग्लास प्लेट ली एक दूसरे के ऊपर रख दी गई और उसको ओवन में डाल दिया गया अभी ठीक है अब क्या करेगा वो मेल्ट होंगे ग्लास और आग एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे अभी तो जो मीडियम बना है वो हाईली डेंस बन गया अभी उसको लेंस बोलते हैं समझ में आया कि नहीं आया दो ग्लास प्लेट को ऊपर रखने से कभी लेंस नहीं बनते भी हो जाएगा लेंस बनता कैसे है एक ग्लास लेके उसके ऊपर एक और ग्लास रखा गया उसको ओवन में डाल के उसको मेल्ट करवा दिया गया अभी तो वही उसी एरियाज के अंदर दो मीडियम चले गए अभी तो क्या बन गया बोले हाईली डेंस बन गया वो मीडियम्स भी दो मीडियम के कम्बिनेशन से भी कर लोगे उसको क्या बोला गया लेंस अब उस सीट को कटिंग करते हैं हम लोग एक खास शेप में भी कोई कॉनकेव बनाते हैं कोई कॉनवेक्स बनाते हैं ठीक है तो दो ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट हो सकती हैं और उनको ओवरलैप करवाया गया तो ओवरलैप पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग लेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको लेंस ये है लेंस भी ये ऐसा नहीं डायरेक्ट किया गया इसको मेल्टिंग फॉर्म में किया गया अभी तो लिखवाएंगे जो बुक में है अभी वही डायग्राम बनाइएगा लिख लीजिए लेंस इज द ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ टू स्फेरिकल ग्लास सीट टू स्फेरिकल ग्लास सीट या ट्रांसपेरेंट सकते हो ट्रांसपेरेंट सीट भी टू स्फेरिकल ग्लास सीट ये सिंपल ऐसे लिखवाते हैं बुक वाले भी ऐसे इसको एक्चुअल में क्या ये मेल्टिंग फॉर्म में भी सारा हो जाएगा उसको मेल्ट करके कंडेंस पूरा मतलब अंदर ले जाके इसको एक दूसरे के मीडियम के अंदर हो जाएगा भाई yes, तो अभी टाइप्स लिखते हैं लेंस के टाइप्स के लेंस के कोई बड़ी चीज़ नहीं है सिंपल दो ग्लासेस को मेल्ट करके एक हाईली डेंस मीडियम बनाया गया है अभी हो जाएगा भी तो टाइप्स में लिखिएगा पहला टाइप लिखिए कॉन्वेक्स लेंस भी फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस देखो भाई ये देखो इतना तो लगता है इतना ही है इतना नहीं है ये पूरी शीट बना लेते हैं बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं उसको बना के ऐसे मेल्टिंग फॉर्म में ले आए और कंप्लीट हो गया अब उसमें कटिंग करते हैं शीट्स के अंदर
अगर कटिंग ऐसे की गई है अभी जिसके किनारे मोटे हों और बीच सॉरी कॉन्वेक्स कर रहे हैं ना, ऐसे कटिंग की गई है जिससे बीच से मोटा हो लेंस और किनारों से पतला हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस आप टच करके बता सकते हो कि कॉनकेव की कॉन्वेक्स है, ठीक है। ऐसा लेंस जिसके किनारे पतले हों और बीच से मोटा हो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। देख लीजिए, द लेंस विच इज थिक एट द मिडल, विच इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजिज, जो थिक होगा मिडल से, थिन कहाँ पे होगा, एजिज के ऊपर थिन होगा। अभी एक्चुअल में कॉन्वेक्स के भी पार्ट होते हैं अभी, इसलिए इस डायग्राम को जो बुलवाया है इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। भी लिख दो, बुक में दे रखे क्या है चीज, नहीं दे रखी है, चलो कोई नहीं। क्या बोलते हैं इसको, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसमें दो कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, क्या बोलते हैं इसको, डबल कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया, इसको यूज करते हैं मोस्टली हम लोग। फिर हम क्या करते हैं, इसी का पार्ट है डायग्राम बनाना सर आपको, इसको बीच से काट देते हैं ऐसे, ओके। इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्या नाम है इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। चल डायग्राम देखिए, एक बात लगेगा आपको, ये बताना नहीं क्या चीज़ होती है, कर लोगे। फिर इसको ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी सी और, इसको कटिंग ऐसे किया गया अभी, ये आपके जो आप लेंस आप यूज करते हो ना, ये सिलेंडर के लेंस है एक्चुअल में भी, आपके जो आप यूज कर रहे हो ये स्पीयर का पैसा नहीं है, सिलेंडर का हिस्सा होते हैं। तो बहुत से लेंस बनाते हैं, बहुत तरह के लेंसेज हो सकते हैं, शेप में अलग अलग शीट बना ली ना आप लोगों ने, अब कटिंग की मर्जी आपकी कैसे भी करोगे उसकी, ठीक है। ये भाई इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ कॉनकेव सरफेस, एक तरफ क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस सॉरी लेंस। समझ में आया भाई, yes, उसके बाद सेकेंड लेंस लिखिएगा, रबकर सेकेंड इज द कॉनकेव लेंस। देखिए जो लेंस बीच से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा, जो लेंस बीच से पतला होगा और किनारों से क्या होगा, मोटा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी सॉरी कॉनकेव लेंस। लिख लीजिए, द लेंस विच इज थिन एट द मिडल, द लेंस विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजिज भी, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजिज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉनकेव लेंस भी इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। जो मैंने बनाया इसका नाम है डबल कॉनकेव लेंस भी, डबल इसी को यूज करते हैं मोस्टली हम लोग, कॉनकेव लेंस। तीन तरह के होते हैं कॉनकेव भी, हो जाएगा एक ये होता है, एक ये होता है अभी, ठीक है। इसका नाम है प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। एक ये शेप हो सकती है, नाम है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब बोलोगे इससे पहले एक टॉपिक इस तरह का हो चुका है डायग्राम, उसमें इसमें फर्क क्या है, फर्क बिल्कुल दिखना चाहिए आपको फर्क भी, उसके किनारे देख लो पतले हैं भी, शेप तो वही है, ये शेप ऐसे थी देखो, आप बनाई थी ऐसे बनाई थी उन लोगों ने, ये सर नो, ये उल्टी थोड़ी सी अलग बनाई है अभी, इसके किनारे पतले हैं भाई, ये कौन सा था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी।
इतना यूज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए भी। कर लोगे टर्म्स यूज इन लेंसेज भी, सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन लेंस। पहला पॉइंट क्लास ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, इसको कई जगह पे ओ लिखते हैं, कई जगह पे सी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर डायग्राम आपको अभी नहीं बनाना, अभी मैं एक लेंस को बना रहा हूँ। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस का कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होगा अभी, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर भी। कर लोगे लिख लीजिएगा, लिखो द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर भी। ये बुक में इतना डेफिनेशन मिलता है इसका भी, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट है भाई जहाँ से लाइट गुजरेगी ना वो बिना मुड़े गुजरेगी भी, मतलब इस पॉइंट पे हर लाइट क्या होगी, नॉर्मल होगी भी, मीडियम के। समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट लिख लीजिएगा, देखिए द लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन भी, विदाउट एनी डेविएशन। कर लोगे बिना मुड़े चलेगी भी। पहला पॉइंट हो गया भाई। ये जिस तरह वहाँ पे मैंने पी यूज किया था इसके लिए, मिरर के लिए पोल, ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, अभी मत बनाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, आपको पता है अभी जो लेंस बन रहा है ये किसी दो मीडियम का पोर्शन है भी। अभी कटिंग ऐसे किया गया था बोल सकते, जब कटिंग पोर्शन ऑफ ए टू स्फीयर भी, कटिंग पोर्शन ऑफ ए टू स्फीयर बोल सकता हूँ। तो ये दो स्फीयर हैं तो दो सेंटर भी होंगे इनके भी। इन सेंटर के, इन सेंटर्स को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलते हैं। देख लीजिए इट इज द सेंटर ऑफ द ओवरलैपिंग स्फीयर। सिंपल लिखिएगा, कुछ डिफरेंस मानी नहीं इनकी। इट इज द सेंटर ऑफ द ओवरलैपिंग स्फीयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो होते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। कर लोगे? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालिएगा प्रिंसिपल एक्सिस भी, प्रिंसिपल एक्सिस। लिखो द इमेजिनरी एक्सिस, द इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी, ये लाइन को जो बनाई है, ठीक है। डायग्राम पूरा करो। एक चीज और लिखिएगा, जो आपने कॉन्वेक्स लिखा ना, कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है उसमें लिख दिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस भी। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में लिखिए कन्वर्जिंग लेंस नाम उसका सेकेंड नाम, और कॉनकेव को लिखिए डाइवर्जिंग लेंस भी। ये डाइवर्ज करेगा बीम्स को भी, फैलाएगा। शेप ऐसा किया गया एक तो क्या करेगा, सिक्योर देगा बीम्स को भी, कन्वर्ज कर देगा। एक क्या कर देगा इसको, डाइवर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स है कन्वर्जिंग और कॉनकेव है डाइवर्जिंग, तो कौन सा लेंस किस मिरर की तरह बिहेव करता है? कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक कॉनकेव मिरर भी, दोनों ही कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। कर लोगे? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट नाम है प्रिंसिपल फोकस, इसको एफ से लिखते हैं। सिंपल तो वही है लगभग सारे, प्रिंसिपल फोकस भी। अब देखो भाई हमारे पास एक लेंस है, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस। इट इज ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ओके बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इसका रेडियस अलग हो भाई, इसका अलग हो, उसका सेंटर भी अलग होगा। तुमने पहले से क्या मार रहे हैं, अलग है भाई, बराबर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। अब देखिए अभी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अभी देख लीजिए। व्हेन लाइट पास थ्रो, व्हेन लाइट फॉल ऑन द, फॉल लिखिए या पास देख दो चलो, व्हेन लाइट पास थ्रो द लेंस, व्हेन लाइट पास थ्रो द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट और अपीयर टू मीट, इट मीट और अपीयर टू मीट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, एट द प्रिंसिपल एक्सिस दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आया? देखो भाई इसमें देखिएगा क्या हो रहा है, बीम्स आ रही हैं, अभी कम से कम दो दो तो चाहिए मेरे को भी मिलवाने के लिए। ये कौन सा लेंस है क्लास? ये कन्वर्जिंग लेंस है। अभी आफ्टर रिफ्रैक्शन बीम्स को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा अभी, तो आफ्टर कन्वर्जिंग ये बीम्स ऐसे मिलेंगे एक पॉइंट पे आके भी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके दूसरा केस करते हैं डाइवर्जिंग वाला भी, ये कॉनकेव लेंस है भी, ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू है, नहीं है इसका पार्ट है भाई, इसका पार्ट है, कर लोगे। यहाँ से बीम्स आ रही हैं अभी, इसके पास डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है क्लास, ये बीम्स को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे कहीं पे भी, बट उनको पीछे मिलाएं, दे अपीयर टू मीट एट ए सिंगल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। भी सेंटर कितने होते हैं, दो, फोकस कितने होते हैं, दो, कैसे? यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट्स भी, इसका यहाँ बनेगा, यहाँ रख दिया तो इसका यहाँ बनेगा, लाइट ऐसी आएगी, लेकिन यूज कौन सा करना है, जिसमें लाइट पास कर रही है। अब फोकस ये भी है भाई, यूज नहीं करना क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं कर रही अभी, कर लोगे? फोकस तो ये भी है, इसको यूज नहीं करना बेटे को, आपकी मर्जी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखोगे यहाँ पर रखो, ट्रांसपेरेंट है भाई, कहीं रख दो, ऐसा भाई लेंस ऐसे रखें, ऐसे रख देते लेंस, क्या दिक्कत है मेरे को? यस सर नो, इसमें रियल है कि इसमें वर्चुअल है फोकस भी? ये रियल फोकस है, ये कौन सा है, वर्चुअल फोकस, बस इतना ही है, हो गया।